नमस्कार, मैं नितिन सक्सेना, कोशिश न्याय की राह द एचएल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच केएनकेआर के लीगल एडवाइजर राखी बुद्धि राजा जी मौजूद हैं। जैसा आप जानते हैं, केएनकेआर पिछले काफी समय से सामाजिक कार्यों में संलग्न है। केएनकेआर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए पिछले काफी समय से अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहा है। इसके अलावा ये ट्रस्ट लॉ स्टूडेंट्स और नए वकीलों के लिए क्लासेस भी अरेंज कर रहा है, और इसी की जानकारी देने के लिए मैं स्वागत करता हूँ हमारे लीगल एडवाइज़र राखी बुद्धि राजा जी का। मैम नमस्कार। मैम, इसी संदर्भ में हमारे आपसे कुछ सवाल हैं, और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि केएनकेआर लेकर आ रहा है, उसकी चाहता हूँ आप जानकारी हम लोगों को दें। बेसिकली क्या है कि जब हम सोशल मीडिया में जाते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज, लाइफ मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स, हर प्रोफेशनल अपने अपने प्रोफेशन को लेकर कुछ ना कुछ पॉइंट, चाहे वो सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वट एवर बी द चैनल, तो अपने अपने प्रोफेशन को लेकर हर कोई हर पॉइंट आगे एक्सप्लेन करता है। जैसा कि हमारा लीगल डिपार्टमेंट है या लॉ से रिलेटेड एडवोकेट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि महिलाएं कैसे केस करें और मेल पर्सन कैसे केस जीतें, तो इसी तरीके की वीडियोस बनाकर हमारे सोशल मीडिया पर वो लोग अपलोड करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिस तरीके से पारिवारिक मुद्दे कोर्ट में आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो कोशिश केएनकेआर है, केएनकेआर की कोशिश यही है कि इन पारिवारिक मुद्दों को, छोटी छोटी बातें जो डेली रूटीन में घर में हम लोग या तो फॉलो कर लें, और कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको हम अवॉइड कर लें, अगर हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं या कुछ बातों को अवॉइड करके हमारी फैमिली लाइफ स्मूथ चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा केसेस कोर्ट में आएंगे। तो मेरा अगला एस्पेक्ट जो है केएनकेआर की तरफ से, छोटी छोटी बातें, ये हम एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसको लोग फॉलो करके या अवॉइड करके अपने परिवारों में, सदस्यों के बीच में, मेंबर्स के बीच में बढ़ने वाली दूरियों को कम कर सकते हैं। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से मैं परिवारों को बचाने की कोशिश कर सकती हूँ और लिटिगेशन को भी इन सब बातों के माध्यम से कम कर सकती हूँ। तो ये हमारा एस्पेक्ट है, छोटी छोटी बातें। जी मैम, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई किसी पारिवारिक समस्या को लेकर ट्रस्ट से संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? हमारे ट्रस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है 9717188978। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी है koshish.nkr1408@gmail.com। इस पर आप अपनी समस्या, पूरी डिटेल, अपना नाम, कहाँ रहते हैं, उसके साथ आप हमें मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको इसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। इसके अलावा जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करें, और हफ्ते में एक बार हम सोशल मीडिया पर अपने पेज पर लाइव आकर अगर किसी की कोई समस्या है तो आप समस्या हमारे सामने रख सकते हैं और उस समस्या का समाधान हम आपको लाइव में दे देंगे। जी थैंक यू मैम। एक मेरा और सवाल है कि अगर आप इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या कोर्ट के माध्यम से देंगे? नहीं, हमारा टारगेट यही है कि परिवारों को कम से कम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, तो इनका सॉल्यूशन हम पारिवारिक तरीके से या सामाजिक तरीके से ही देना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए ट्रस्ट आपका बहुत आभारी है, और जल्दी ही मिलते हैं अपने नए एस्पेक्ट, छोटी छोटी बातों के साथ। धन्यवाद।